अपने घर में, अपने समाज में, अपने जीवन में इस छांदोग्य उपनिषद के वचन को आत्मसात करो। संकीर्णता वाला व्रत नहीं, जो मंजिल चलते हैं वे शिकवा नहीं किया करते, जो कम वक्त शिकवा किया करते वे मंजिल नहीं चला करते। काय को फरियाद करना। वाह। व्रतेषु जाग्रहि, अपने अपने नियम व्रत में जागृत रहो। छांदोग्य उपनिषद में आया है, महामनास्यात् तद्व्रतम्, बड़े मन वाला बनने का व्रत लो। जरा जरा बात में अंधकूप में ना गिरेंगे, द्वेष में ना गिरेंगे, राग में ना गिरेंगे, चिंता में ना गिरेंगे, भय में ना उलझेंगे। महामनास्यात, बड़े मन वाला बनो। जो इलेश अंधे की औलाद अंधी, इतना ही कह दिया था द्रौपदी ने। अगर दुर्योधन बड़े मन वाला होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। द्रौपदी मने बड़े मन वाली होती तो ऐसा नहीं कह पाती। छोटे मन के कारण कितना उपद्रव हो जाता। महामनास्यात् तद्व्रतम्, बड़े मन वाले बनो। जरा जरा बात में जिस किसी को चुभने वाला तीर मत मारो शब्दों का। द्रौपदी ने तीर मार लिया और उसने भी गांठ बांध ली। दो शब्दों के कारण द्रौपदी का तीखा शब्द और उसका द्वेष भरा निर्णय महाभारत में कितना सारा अनर्थ हुआ, कितनी जान माल संपदाओं की हानि हुई। तो अपने घर में, अपने समाज में, अपने जीवन में इस छांदोग्य उपनिषद के वचन को आत्मसात करो। तद्व्रतम् महामनः स्यात् तद्व्रतम्, बड़े मन वाला बनने का हम व्रत करेंगे, लेंगे, उदार रहते वाले बनेंगे। ये व्रत रखो। छोटी छोटी बात को पकड़ नहीं रखेंगे। छोटी छोटी बात, किसी की निंदा की, स्तुति की, लाभ की, हानि की, आकर्षण की, ये हमको अंधकूप में गिरा देती। ये कितनी सुंदर थी, कितना सुंदर है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों करा, इस प्रकार के नन्हे मन से आदमी खुद उलझता है समाज के लिए उलझनों का सामान बना देता है। उदार हृदय वाला बनने का व्रत रखो। तपंतम न निंदेत तद व्रतम, गर्मी हो जाए हाय हाय गर्मी है, हाय हाय बड़ी गर्मी है, तो गर्मी है हाय हाय करके और अपने चित्त को तपाओ मत। गर्मी है तो ठीक है, आम पक रहे, खेत खलियों की तैयारी हो रही है, बाष्पीभूत जल बन, समुद्र का खारा जल गंगा जल बनेगा, वाह वाह, हाय हाय गर्मी है, हाय हाय हम तो मर गए, हाय हाय ऐसा हो गया, हाय हाय हम तो करेंगे हरी हरी, वाह वाह ऐसा गर्मी हो रही वैशाख महीने की, कितना सारा जल बाष्पीभूत हो रहा है और एक सेकंड में सूर्य नारायण 50,00,000 टन कारवान स्वाह करते और बदले में क्या क्या देते, वाह वाह, एक सेकंड में हाइड्रोजन गैस 50,00,000 टन उठाते हैं, इसलिए गर्मी हो रही, वाह वाह, और बदले में कितना सारा दे रहे हैं, वाह वाह, बारिश आए तो आह अमृत बरस रहा है, ठंड आई कि आज स्वास्थ्य बढ़ रहा है, कोई अपमान हुआ तो अहंकार मिट रहा है, मान हुआ तो विषाद मिट रहा है, हरे हरे वाह वाह, क्या तेरी लीला है, अजब तेरी लीला है। ये व्रत ले लो, फरियाद वाला व्रत नहीं, संकीर्णता वाला व्रत नहीं, हाय हाय नहीं नहीं, हरे हरे वाह वाह
वाह वाह, तेरा बाणा मीठा लागे क्योंकि जो तुद भावे सो भली कार। तुझे जो अच्छा लगता है वो सभी के लिए अच्छा है, हमें समझ में आए ना आए, है ऐसा व्रत ले लो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, सासू को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए, पति ऐसा ना करे, ये संकीर्ण व्रत हटा दो। हर हाल में मस्त रहेंगे, कोई कुछ भी कहे करे, है इसी का नाम दुनिया है। हरे हरे, ये व्रत ले लो। जो मंजिल चलते हैं वे शिकवा नहीं किया करते, जो कम वक्त शिकवा किया करते वे मंजिल नहीं चला करते। काय को फरियाद करना, वाह वाह। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। 1942 के युद्ध में एक महात्मा सरहदी इलाके में पकड़े, उन्होंने ठान लिया कि सब तो ही है तो अब क्या बोलना, न बोलने का व्रत ले लिया था, और बोलेंगे तब जब आखिरी श्वास होगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। सेना के मूर्ख सिपाही ने पकड़ लिया कि तुम कौन हो, जासूस हो, बताओ, कुछ ना बोले, डांटे तो चेहरे पर शिकन नहीं, तुम कोई राष्ट्र से मिले हुए हो, तुम ज्यादा खुफिया कंपनी के कोई एजेंट हो, बताओ बताओ। आखिर ले गए जर्नल कर्नलों के पास। उन मूर्ख जर्नल कर्नलों ने बोला, जब नहीं बोलते हो तो हम तुमको बुलवा के ही रहेंगे, ले आओ भाला, हाथ पैर बांध दो। बांध दिया, भाला की नोक रख दिया, बोले अब बोलो। महात्मा चुप रहे, बोले नहीं बोलते तो लगा दो भाला। भाला अंदर घुसा, रक्त की धार बही। महात्मा ने देखा कि ऐसा ही नियति है। महात्मा हंसे कि तू भाला बनकर आएगा लेकिन हम तुझे पहचानते, तू धोखा नहीं दे सकता है। भाले में भी तू और यहाँ भी तू और आदेश देने वालों में भी तू आए है। महात्मा ने सदा के लिए आंख बंद कर दी। कैसा व्रत है, जब जड़ चेतन में तू ही है तो भाला बनकर तू आया, मृत्यु बनकर तू ही आता, अमृत बनकर तो ही आता है, मित्र बनकर तो ही आता है, शत्रु बनकर तो ही आता है। ये बुरा है, ये भलाई, अंधकूप से बाहर थे महात्मा। ये अपना है, ये पराया है, ये इस अंधकूप से महात्मा बाहर थे। कार्य उपासक, कारण उपासक नहीं, तत्व उपासक महापुरुष थे। अब ते न निंदत तद्व्रतम, वर्षंतम न निंदे तद्व्रतम, वर्षा की निंदा नहीं करूंगा, दलदल की निंदा नहीं करूंगा। ऋतुम न निंदे तद्व्रतम, ऋतुओं की निंदा नहीं करूंगा। लोकान न निंदे तद्व्रतम, ये फलानी जाति के लोग हलकट हैं, फलाने लोग लोभी हैं, फलाने ऐसे हैं, फलाने ऐसे, नहीं नहीं, सब उसी की लीला में लहरा रहे, जैसे बर्फ के ढेले सरोवर में पानी से बने और पानी में तेरा उतरा रहे, ऐसे ही सभी जाति के, सभी संप्रदाय के, सभी किस्म के लोग उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में तेरा रहे, उतरा रहे। ये आनंदमय ईश्वर की लीला है, ऐसा समझो। अंधकूप में न गिरे, ये फलानी जाति खराब है, फलाने खराब है, फलाने बुरे हैं, फलाने बुरे, नहीं, सब उस परमेश्वर की लीला है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे तद्व्रतम, लोकान न निंदेत तद्व्रतम, ऋतु न निंदेत तद्व्रतम,